कुरुक्षेत्र की नई अनाज मंडी में बाबा माखन शाह और लखी शाह की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल हुए। इस मौके पर कार्यक्रम में राज्य मंत्री संदीप सिंह, विधायक राम कुमार कश्यप, सुभाष सुधा, पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। फतेहाबाद में इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव अभय सिंह चौटाला ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि फतेहाबाद की नई अनाज मंडी में 25 सितंबर पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की जयंती पर प्रदेश स्तरीय सम्मान दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही अभय सिंह चौटाला ने पंचायती चुनावों के दौरान जिला परिषद का चुनाव सिंबल पर लड़ने का ऐलान किया, जबकि सरपंची और ब्लॉक समिति का प्रधान इनेलो सिंबल पर नहीं लड़ेगी। यमुनानगर में बाइक सवार दो स्नैचर्स ने महिला के हाथ से पर्स छीनने की कोशिश की, लेकिन महिला ने स्नैचर्स को अपना पर्स नहीं ले जाने दिया। इस दौरान महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पूरी घटना बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें स्नैचर महिला का दूर तक बाइक पर घसीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आगे की जाँच शुरू कर दी है। पलवल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान आरोपियों के पास से 35 पिस्टल और 6 देसी कट्टा समेत 41 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने 11 मैगजीन भी बरामद की है। पुलिस ने बताया कि अवैध हथियार पकड़ने की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, उनके द्वारा की गई ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। वहीं करनाल में स्थानीय लोगों ने जिला सचिवालय से डीसी दफ्तर तक पैदल मार्च निकाला, इसके बाद डीसी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कहा, शहर में चल रहे पीले पंजे की कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाई गई है। शहर में पीले पिछले कुछ दिनों से लगातार जीटीपी की तरफ से गरीब लोगों के अवैध कॉलोनियों में बने घरों को तोड़ा जा रहा है। गन्नौर में हुए सड़क हादसे में दो लोगों की जान चली गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा नेशनल हाईवे 44 के फ्लाईओवर पर उस वक्त हुआ जब दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ एक तेज रफ्तार कार ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में सवार बच्चे और बुजुर्ग की मौके पर ही जान चली गई। कार सवार सभी जिला पानीपत के रहने वाले बताए जा रहे हैं। नशा तस्करी करने के आरोप में फरीदाबाद के नीमका जेल में बंद युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक का शव बादशाह खान अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया, तो वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, पुलिस की लापरवाही के चलते उनके बेटे की मौत हुई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही सारे मामले का खुलासा हो पाएगा। यमुनानगर की पथराला नदी पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के बाद उफान पर है। नदी के किनारे वाले इलाके को बाढ़ की स्थिति की तरफ देखा जा रहा है। बाढ़ की वजह से करीब 2 दर्जन गांव जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ की वजह से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों ने बताया कि हर साल मानसून के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ जाता है और फसलों को काफी नुकसान पहुंचता है। इस बार भी पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पथराला नदी का जलस्तर लगातार खतरे के निशान को पार कर रहा है। बाढ़ से बने हालात के बाद अब ग्रामीणों ने मदद के लिए प्रशासन से अपील की है। मॉनसून सक्रिय होने के बाद अंबाला में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके कारण अब लोगों की परेशानियां भी बढ़ने लगी है। अंबाला में हुई बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की समस्या देखने को मिली। बारिश की वजह से अंबाला की कपड़ा मार्केट का काफी नुकसान हुआ है। बारिश के पानी की निकासी के लिए यहां नगर निगम की ओर से कई पंप लगाए गए हैं। उधर कारोबारियों ने बारिश से हुए नुकसान की भरपाई और जलभराव की समस्या के समाधान के लिए प्रशासन से अपील की है।